नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हैंगिंग पॉट प्लांट चाहे जितना लगा लो, लेकिन हैंगिंग पॉट में लगा हुआ पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, और हम लोग सभी चाहते हैं कि हैंगिंग पॉट में कुछ प्लांट लगाएं। और इसके लिए आप देख रहे होंगे 10-10 रुपये में, या अगर ज़्यादा लेते हो तो 7 रुपये में भी इस तरह के डब्बे मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने सॉइल भर के रख दी है, और इसमें मैं आज हैंगिंग पॉट बनाने जा रही हूँ। और इसको देखिए, इसमें क्या है कि सॉइल में कोकोपीट और सैंड अगर आप रखते हो तो वो हल्की होगी और ये अच्छी रहेगी आपके पौधे के लिए और गमले के लिए। और हैंगिंग पॉट मैंने खुद बना ली है, इसमें मैंने तार के हैंगिंग वाले लगा दिए हैं। और इसमें मैंने कोकोपीट, सॉइल और 1-1.5 मुट्ठी इसमें कहो वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। और यहाँ पर जो आप पौधे देख रहे हैं, ये क्रीपिंग चार्ली है, इसका नाम क्रीपिंग चार्ली है, और इसी को मैं इसमें आज ग्रो करके आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें पहले पानी डाल दिया है ताकि पानी रहे, तो इसमें इसको डालने से इस खराब ना हो। अब इसमें से आपको उठाते जाना है, और नीचे देख लेना है कि नीचे कोई इसमें लीफ ना हो, नीचे वाले लीफ को हटा देना है। और इसमें आपको डाल के नीचे की तरफ पानी डाले रहने से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप इसमें इसको लगाते चले जाइए। बड़ा हो तो उसको 2 भाग में भी आप कर दे सकते हो, ये छोटा से छोटा पीस भी रहेगा तो ये लग जाएगा। इस तरह से आप लें, और इसके पत्ते को हटाते हुए नीचे वाले पत्ते को नहीं रहने देना है, और इसको लगाते चले जाइए। गीला मिट्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी पौधे को नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे को इसमें लगा दिया है, कुछ यहाँ बच गए हैं। और अब इसमें पानी ऊपर से डाल देनी है, और इसकी फिर मैं आगे क्या प्रोग्रेस होती है वो आपसे शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, 2 महीने बाद मैं जो क्रीपिंग चार्ली आपको लगाकर हैंगिंग पॉट में दिखलाई थी, उसको मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से 2 महीने में बढ़ गया है, और इसका बीच बीच में प्रूनिंग करते रहना जरूरी है। जो ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है उसको आप जितना प्रूनिंग करोगे ये उतना ही ज़्यादा और बढ़ेगा। और इसमें मैंने कुछ नहीं दिया है, बीच बीच में 2 महीने के अंतराल में मुझे लगता है एक बार या 2 बार मैंने इसमें केवल लिक्विड फर्टिलाइजर डाली है, और ये इतना बेहतर हो गया है। तो आप भी इस तरह से हैंगिंग पॉट में इसको लगा सकते हो, और आप इस तरह से आनंद इसका ले सकते हो। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पौधे। मैं इसका सारा प्रूनिंग अब कर लूँगी, आप देख रहे होंगे इतने कितने खूबसूरत इसके पत्ते लग रहे हैं चारों तरफ से ये। ये आ गया रिजल्ट आपका, 2 महीने, करीब करीब 2 महीने लग गए। मैं सोच रही थी आज दिखलाऊं कल दिखलाऊं, तब तक 2 महीने इसमें लग गए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।